नितिन पुणे से, मुझे दोनों कानों में सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब जो भी दे दे रहा था वो बहुत ही कम सुनाई दे रहा था। उसकी वजह से हर रोज मैं मेरे काम में प्रॉब्लम आ रही, वो 5 साल से था। एक बार मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वो ऑडियोमेट्री भी किया था, उसमें दोनों कानों में हेयरिंग लॉसेज जो थे वो 40% के से ज़्यादा और 43% से कम दिखाई दे रहे थे, और एक कान में 43% से कम, लेकिन एक मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क था। उन्होंने मशीन की सलाह दी थी, इलाज नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो आपके पर्दे हैं कानों में वो अच्छे हैं, लेकिन जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो जो मेमोरी में मतलब ब्रेन में पहुंचाने वाला जो ब्रिज है उसमें प्रॉब्लम है। आपका रेफरेंस मुझे सकाल न्यूज़पेपर से मिला, और सकाल न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, लेकिन तब तक आपका कैंप पुणे से जा चुका था, लेकिन वो मैंने एडवर्टाइज कट किया। संभाल के हाँ, जब मैंने वो सब टाइम निकाल के इधर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लिया और इधर आ गया। मुझे तो पहले जब उन्होंने दवाई कानों में पहुँचाई थी तो थोड़ा ऐसा कान में थोड़ा खुजली और गरम गरम कुछ लगा दोनों कानों में, बाद में ऐसा गुदगुदी हो रहा था कानों में, फिर लेटा ही रहा था मैं, और उन्होंने जब टाइम होने के बाद वो कॉटन्स निकाल दिए तो मुझे अभी साफ सुनाई दे रहा है। या दवाखान्यामध्ये येऊन मी एकदम चांगलं काम केलं असं मला वाटतंय। दोन्ही कानांना मला व्यवस्थित आत्ता अतिशय चांगलं ऐकू येते, म्हणजे मी बहिरा होतो का नव्हतो हेच मला आठवत नाही आहे। आता मला डेली ज्यावेळेस मी व्यवहार करीन त्यावेळेस आणखी समजत जाईल, आणि त्यांनी बरोबर औषधं दिलेली आहेत ती डोस कंटिन्यू करीन, पथ्य पण त्यांनी दिलेली आहेत त्याप्रमाणे मी ती पाळत जाईन।